सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स लीगल सिग्निफिकेंस। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, देखिए जो फाउंडर हैं यूनाइटेड नेशन के, ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर कॉन्फ्रेंस करते हैं 1945 के अंदर, और एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कलर, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट या फिर उसके मेंबर द्वारा किसी भी इंडिविजुअल मीन्स कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य अगर सोसाइटी में कहीं पर भी रह रहा है, वो बेशक जंगल में भी रह रहा हो, उसके पास इक्वल राइट्स होंगे लाइक अदर पीपल। ये जो ड्राफ्ट था इसे अनाउंस किया गया फॉर द फंडामेंटल इक्वल राइट्स ऑफ द पीपल और इसे अडॉप्ट किया गया 10 दिसंबर 1948 इन पेरिस बाय जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो इस ड्राफ्ट द्वारा जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड हैं और इन्हें ट्रांसलेट किया गया है इनटू 500 लैंग्वेजेस। द प्रीएम्बल ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखिए जो ह्यूमन फैमिली के मेंबर्स हैं इनकी इनहेरेंट डिग्निटी, इक्वल एंड एब्सोल्यूट राइट्स को जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि ये फाउंडेशन है फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस की इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो ह्यूमन राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए बाय द रूल ऑफ लॉ, फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट किए जाने चाहिए बिटवीन द नेशन टू ब्रिंग अप देम टुगेदर, और जो लोग हैं यूनाइटेड नेशन के जिन्होंने अपने फेथ को अफर्म किया है ह्यूमन राइट्स के अंदर, उनकी डिग्निटी एंड वर्थ को पहचाना जाएगा, इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन को डिटरमाइन किया जाएगा ताकि प्रमोट की जा सके सोशल प्रोग्रेस, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिया जाएगा लोगों को, ग्रेटर फ्रीडम दी जाएगी जो भी प्रॉमिस किए गए हैं टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, एंड ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस राइट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखिए कुछ राइट्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि अडॉप्ट की गई थी 1948 के अंदर। सो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएंगे। देखिए हर एक इंसान फ्री है तो उसे इक्वल मैनर के अंदर ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे किसी दूसरे पर्सन को किया जाता है, किसी भी तरह का डिफरेंशिएट नहीं किया जाना चाहिए उसके साथ किसी भी स्किन कलर को लेकर, सेक्स को लेकर, डिसेबिलिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर या फिर लैंग्वेज को लेकर। हर एक के पास राइट टू लाइफ है एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, किसी को भी स्लेव नहीं बनाया जा सकता, ना ही आप किसी को स्लेव बना सकते हैं, ना ही कोई आपको स्लेव बना सकता है, कोई भी आपको टॉर्चर नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, वो बेशक कोई पब्लिक सर्वेंट भी हो, पुलिस वाला है, कोई भी है, अगर वो आपको टॉर्चर करता है यू कैन कंप्लेन अबाउट दैट पर्सन टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और जो ये राइट है ये हर एक के पास है कि भी उसे इक्वली ट्रीट किया जाए बाय द लॉ। जो लॉ है सबके लिए सेम है तो ये सेम वे के अंदर ही अप्लाई होना चाहिए। हर एक पर्सन के पास अधिकार है कि भी वो लीगल हेल्प रिक्वेस्ट कर सकता है जब भी उसके राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, और किसी के पास राइट नहीं है कि वो आपको इम्प्रिजन करे अनजस्टली और एक्सपल करे आपको आपकी ही कंट्री से। देखिए ऐसे ही हर एक पर्सन के पास राइट है कि भी उसका फेयर एंड पब्लिक ट्रायल कंडक्ट हो, उसको इनोसेंट कंसीडर किया जाए जब तक उसकी गिल्टी प्रूव ना हो जाए टू एनी ऑफेंस। उसके पास राइट है कि भी वो हेल्प सीक कर सकता है, वो हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है अगर कोई उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है या फिर उसके कोई लेटर्स पढ़ रहा है या फिर कोई बॉदर कर रहा है उसे या उसकी फैमिली को विदाउट एनी रीजन। हर एक शख्स के पास राइट है कि वो ट्रैवल कर सकता है जहां पर वो चाहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल ही कैन ट्रैवल, और उसके पास राइट्स हैं, हर एक शख्स के पास राइट्स हैं टू गो अनदर कंट्री एंड आस्क फॉर प्रोटेक्शन। अगर उसको अपने देश में खतरा है तो वो दूसरे देश में हेल्प मांग सकता है प्रोटेक्शन के लिए कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम प्रोसिक्यूटेड या फिर उसकी लाइफ को डेंजर है कोई। ऐसे ही हर एक शख्स के पास राइट है शादी करने का, फैमिली बनाने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में रहने का, उसे रखने का पोजेशन में अपनी,
हर एक के पास राइट है कि भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं सभी रिलीजन्स को, और वो चाहे तो रिलीजन को चेंज भी कर सकते हैं। हर एक के पास राइट टू से है, जो भी वो सोच रहे हैं वो बोल सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को ले और दे सकते हैं, किसी भी एसोसिएशन और मीटिंग के अंदर पार्ट ले सकते हैं पीसफुल मैनर के अंदर। हर एक के पास राइट है, राइट टू हेल्प, चूज एंड टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। वो चूज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को और पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के अंदर। देखिए ऐसे ही हर एक पर्सन के पास राइट है, राइट टू वर्क फॉर ए फेयर वेजेस, कि भी वो काम करने का अधिकार है उसके पास किसी फेयर वेजेस के लिए, मतलब अच्छी दिहाड़ी जहां पर उसे मिले वहां पर वो काम कर सकता है, या फिर वो डिमांड भी कर सकता है फेयर वेजेस के लिए, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर वो काम कर सके। सबसे बड़ी चीज ये है, ये ऐसे एनवायरनमेंट में काम ना करें जहां पर उसकी लाइफ ही डेंजर में हो काम करते वक्त, तो ऐसी कमाई का और ऐसी जॉब का भी कोई फायदा नहीं है। और वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकता है, जैसे किसान यूनियन हुई, मजदूर यूनियन, ऐसे ये यूनियंस को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को रोका नहीं जाएगा ऐसे यूनियंस को ज्वाइन करने से। उस शख्स के पास जो काम कर रहा है उसके पास रेस्ट करने का भी अधिकार है और वेकेशंस का भी अधिकार है। हर एक पर्सन के पास राइट है एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है हर एक पर्सन की, विद डिग्निटी दे कैन लिव एंड विद डिग्निटी दे कैन डाई, तो वो राइट है उनके पास। मेडिकल हेल्प का राइट है इनके पास, अगर वो बीमार है तो वो मेडिकल असिस्टेंस सीक कर सकते हैं। हर एक पर्सन के पास राइट है, राइट टू गो टू स्कूल, किसी भी उम्र का हो वो इंसान वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है और पढ़ सकता है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो कोई भी कलर हो, किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ लिख सकता है। और हर एक पर्सन के पास राइट है कि भी वो शेयर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में कल्चरल लाइफ को। यहां पर हर एक शख्स रिस्पेक्ट करेगा सोशल ऑर्डर को, जो कि नेसेसरी है फॉर ऑल दीज राइट्स टू बी अवेलेबल। जब तक सोशल ऑर्डर ही नहीं होगा तब तक हम इन राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकते, सीख नहीं कर सकते। हर कोई रिस्पेक्ट करेगा दूसरों के राइट्स को, जो भी कम्युनिटी और या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको रिस्पेक्ट करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को। ये नहीं है कि भाई मैंने थोड़ी ना लगाया, तोड़ दो ट्यूबलाइट, तोड़ दो बल्ब, तोड़ दो जो भी स्ट्रीट्स पे जो भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं उनको काट दो, ऐसा नहीं। कम्युनिटी की भी रिस्पेक्ट करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी की भी रिस्पेक्ट करेगा, सबकी रिस्पेक्ट करेगा। दिस इज वॉट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल अस टू डू। किसी के पास राइट नहीं है कि भी वो आपके इन राइट्स को ले ले जो कि डिक्लेरेशंस के अंदर मेंशन कर रखे हैं। देखिए जो डिक्लेरेशन है ये परमिट नहीं करती स्टेट को डेरोगेट करने से उनकी ऑब्लिगेशन से इन पब्लिक इमरजेंसी। इसका मतलब यही है कि भी स्टेट की ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है इन पब्लिक इमरजेंसीज। अगर ऐसी इमरजेंसी कहीं ना कहीं खतरा है टू द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, सो जो अबव राइट्स हैं ये सस्पेंड नहीं होंगे इन इमरजेंसीज ऑल्सो। और जो आर्टिकल 29 है ये लिमिटाइज कर रहा है राइट्स एंड फ्रीडम्स को बाय प्रोवाइडिंग ड्यूटीज टू द कम्युनिटी, जहां पर ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पॉसिबल है फुल एंड फाइनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू फाइंड इट यूजफुल।